ये आप करेंगे तो आप अपने उस स्पेसिफिक पर्सनालिटी को रब बना देंगे बेसिकली, क्योंकि ये क्वालिटी जो है ना, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, क्योंकि अल्लाह हाकिम है। रिलीजियोसिटी जो होती है ना, या रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो होता है, ये बड़ी खतरनाक बात। देखिए, आपको कोई ऐसा मसला दरपेश है जो जिसका ताल्लुक मजहब से हो, अकीदे से हो, मसाइल से हो, कोई फतवा चाहिए हो, आप जो है ना जिंदगी में कभी भी किसी मोची के पास नहीं जाएंगे, किसी पंक्चर वाले के पास नहीं जाएंगे, बल्कि आप ढूंढेंगे कोई मुझे आलिम फाजिल, कोई बड़ी रूहानी शख्सियत मिल जाए मुझे, ताकि मैं क्या करूँ, जिससे डिस्कस कर सकूँ। और हदीस के अंदर भी जो है ना एक यही बात आती है कि एक दौर एक ऐसा आएगा, ये खमर, माज़िफ और तीन चार चीजों अल्लाह के इसमें तस्करा किया, शराब और आलाते मौसीकी, इंस्ट्रूमेंट्स जिनको कहा जाता है, इसी तरीके से नंबर 3 ये सिल्क, मर्दों का सिल्क पहनना। तो अल्लाह के रसूल करते हैं, कहते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा कि उसके अंदर के जो है ना ये चीजें हलाल होती हो जाएंगी। फिर मुझे एक बात समझ में आई कि हलाल और हराम का जो बेसिकली ताल्लुक होता है ना, वो एक लेमैन के साथ नहीं होता, वो होता है किसी रिलीजियस इन्फ्लुएंसर के साथ, जो बड़ा स्पीकर हो, बड़ा कोई दाई हो, बड़ा कोई मुबल्लिग हो, बड़ा कोई आलिम हो, एक बड़ी रिलीजियस पर्सनालिटी हो, वो यस कहेगी तो यस होगा, वो नो कहेगी तो वो नो होगा। तो कुरान की एक आयत भी आती है इसके ऊपर बड़ी प्यारी, अल्लाह ताला कहते हैं इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, कि इन्होंने क्या किया अहले किताब ने, उन्होंने अपने अहबार और अपने रुहबान को, रैबाइज मींस जो क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स हैं इनको, और जो अहबार जो ज्यूज के स्कॉलर्स हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने अल्लाह के अलावा रब बना लिया। तो इसके ऊपर ना अहले किताब में से एक शख्स आया और उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने बड़ा बोला कि हम अल्लाह के अलावा रब नहीं बनाते किसी को, या आपने गलत बात की, ये कुरान गलत है इस जगह के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने कहा एक बात बताओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब तुम्हारे जो बड़े उलमा, फुज़ला, रूहानी शख्सियात, मुबल्लिगीन, जिनके आप समझते हैं बहुत बड़े हैं, जब वो किसी हराम चीज को हलाल कहते थे, क्या आप उनको हलाल नहीं मानते थे? अल्लाह ने एक चीज हराम कर दी, उसने हलाल कर दिया, आपने हलाल मान ली, तो हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना, क्या ये वो नहीं करते? उन्होंने कहा ये वो करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा यही तो है कि अपने उलमा को रब बना लेना, अपनी उन मजहबी शख्सियात को रब बना लेना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने हमें दी कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, आप जिसको भी मान रहे हैं, तो उसके ऊपर एक क्रिटिकल आय अपनी हमेशा रखना, जिसको अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, बिल बजिनाती व ज़ुबुर फसलु अला ज़िक्र, इफ यू डोंट नो, इफ यू हैव नो नॉलेज, आस्क हुम यू शुड आस्क, जो पीपल ऑफ नॉलेज, अहले ज़िक्र जो है आपने उनसे पूछना है अगर आप नहीं जानते। लेकिन प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल पूछने का क्या है, बिल बजिनाती व ज़ुबुर, वाज़े दलाइल होने चाहिए, सूरह नहल की आयत है, व ज़ुबुर और कुछ रिटन फॉर्म के अंदर रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी ना आसमानों से सहीफ़ किताबें नाजिल की है, व तूर व किताब मस्तूर, लिखी हुई सतरों के ऊपर ना कोई रेफरेंस होना चाहिए, और पीछे कोई रुजू कराएं जी माजी के ऊपर, नई नई बातें ना करें जिसके बैक एंड के ऊपर कुछ नहीं है। ये आप करेंगे तो आप अपने उस स्पेसिफिक पर्सनालिटी को रब बना देंगे बेसिकली, क्योंकि ये क्वालिटी जो है ना, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, क्योंकि अल्लाह हाकिम है, अल्लाह हलाल करता है, अल्लाह हराम करता है, अल्लाह ताला ने ये इख्तियार अपने अलावा किसी को नहीं दिया, और अल्लाह के रसूल ने भी जहाँ हलाल को हलाल किया, हराम को हराम किया, अल्लाह की वही के ताबे होके किया, जो कुरान क्या कहता है, मा यंतिकु अनिल हवा, कि वो जब भी कोई बात करते हैं इन ईदर वेज, दोनों रास्तों के लिए, राइट एंड रॉन्ग के लिए, अवामर या मनहियात के लिए, वो अल्लाह की तरफ से वही के ताबे होती है। अल्लाह के रसूल का इज्तिहाद भी जो है वो भी वही है, वो भी अल्लाह की वही के ताबे होता है बेसिकली, वो भी गाइडेड होता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस है ना, और रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ये बहुत मैटर करता है कि आपने क्रिटिकली उसको देखना है।